सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में पूछे हैं। और मुझसे बहुत लोगों ने क्वेरी किया है कि आपने इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिया है, आपने इतना सब कुछ बताया है, तो आप प्लीज़ ये भी बता दो कि टॉप 10 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ढाका में कौन कौन से हैं। तो मैंने उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है ताकि मैं आप लोगों को कन्वे कर सकूं। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन ढाका, सो दैट आप लोग चूज़ कर सको एंड अकॉर्डिंगली आ सको। सो लेट्स स्टार्ट। सो या, अब हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जिनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कॉलेजेस कहाँ हैं और कैसे हैं, वो एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर है और उनके फी स्ट्रक्चर्स क्या है। तो कहते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, तो वैसा ही बात है कि अब अगर पैसे हैं तो आप आएँ और पढ़ें। अकॉर्डिंगली मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट, है ना। मैंने फर्स्ट जो टॉप में आता है ढाका में, फर्स्ट टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो ढाका में आता है, उसका नाम है होली फैमिली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत अच्छी है एंड बहुत बेहतरीन कॉलेजेस है, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी है, एंड वो लगभग एयरपोर्ट से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है ये कॉलेज। वो कहते हैं जब हम माइंड बनाते हैं कि हाँ अब हमें ढाका जाना चाहिए, तो इस कॉलेजेस की सीट उस समय पे ही पैक हो जाती है। तो अगर आपको इस कॉलेज में पढ़ना है तो आपको पहले से सीट बुक करा के रखना पड़ेगा, और इस कॉलेज का चार्ज अराउंड 52,000 यूएस डॉलर्स है। तो यहाँ हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है एंड आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। सेकेंड नंबर पे जो कॉलेज आता है उसका नाम है ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो कि अराउंड 24 किलोमीटर्स आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पड़ता है। अराउंड 40 मिनट्स, अगर कोई जैम नहीं मिले तो आप 30-40 मिनट्स में पहुंच सकते हो। एंड ये कॉलेज का जो चार्ज है वो भी 48,000 यूएस डॉलर्स पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज है, इसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज़ नाइस, है ना। तो अगर आप चूज़ करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, तो आप इन सब मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। देन थर्ड नंबर पे आता है इनाम मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत अच्छी कॉलेज है, वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं एक्चुअली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाइज एंड और फिर स्टडीज़ एक्चुअली सब में सेम ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी रैंकिंग जो कॉलेज की होती है वो इनाम मेडिकल कॉलेज थर्ड नंबर पे पड़ता है। और ये इनाम मेडिकल कॉलेज अराउंड 40,000 यूएस डॉलर्स पड़ता है, है ना। तो अपने अपने कंट्री में, आप खुद हम फॉरेनर स्टूडेंट के लिए, सो आप अपने अपने कंट्री में मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना आ जाता है। एंड ये कॉलेज को भी एयरपोर्ट से जाने में अराउंड 1 आवर लग ही जाता है। ये थोड़ा मेन ढाका सिटी से हल्का दूर पे पड़ता है ये नाम मेडिकल कॉलेज। फोर्थ नंबर पे आता है पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, जो कि ढाका एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर्स दूरी पे है, और जिसकी चार्ज अराउंड 45,000 यूएस डॉलर पड़ती है। ये मेडिकल कॉलेज एक्चुअली मेन सिटी में है, मेन हब में है, तो ये भी एक अच्छी मेडिकल कॉलेज है, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। देन फिफ्थ नंबर पे आता है मोनो मेडिकल कॉलेज, ये एक्चुअली सिटी के साइड पे है और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है, पेशेंट फ्लो अच्छी है, और यहाँ पे मैं भी अप्लाई करना चाहती थी, चूँकि मैंने बहुत लेट अप्लाई किया था तो इसलिए मुझे नहीं मिली सीट, मैंने एकदम लास्ट में अप्लाई किया था। सो ये अराउंड 62, ये थोड़ा दूर है ढाका से, 62 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट है, तो ये 1-2 घंटे लगेंगे आपको जाने में, आप आराम से वो कर सकते हो। ये पहले सस्ती थी लेकिन अब थोड़ी महंगी हो गई है, 42,000 यूएस डॉलर्स पड़ती है इसकी, सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। सिक्स नंबर पर आता है अनवर खान मेडिकल कॉलेज, जो कि अच्छी कॉलेज है, मुझे भी पसंद है वो कॉलेज, है ना, जिसकी शायद प्राइस मैं फिक्स नहीं हूँ, पर 42,000-45,000 यूएस डॉलर पड़ती है। एंड ये भी ढाका, ये भी एयरपोर्ट से आई थिंक आप 40 मिनट्स में पहुंच जाओगे इजीली, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो ये कॉलेज भी बहुत अच्छी है, इसकी भी पेशेंट फ्लो बहुत अच्छी है, और ये मीड धानमंडी में पड़ता है, ढाका में पड़ता है, तो इसकी लोकेशन भी अच्छी है, आप देख सकते हो, आप इस पर भी ऑप्ट कर सकते हो। देन सेवन्थ नंबर पर आता है जहारुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, जिसकी नेटवर्थ पड़ती है 40,000 यूएस डॉलर, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है जो कि ढाका में पड़ता है, और अच्छी कॉलेजेस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है, और पढ़ाई का तो मैं बोलूँगी नहीं, बिकॉज़ पढ़ाई बांग्लादेश में सारे कॉलेजेस में एक ही पैटर्न में होती है, इसलिए पढ़ाई के हिसाब से नन ऑफ़ द कॉलेजेस अप एंड डाउन, सभी अच्छे हैं।
एवरी कॉलेजेस प्रोवाइड अ फाइन क्वालिटी ऑफ स्टडिंग, सो आई थिंक सारे कॉलेजेस ही अच्छे हैं। तो एट्थ नंबर पे आता है इब्राहिम मेडिकल कॉलेज, जो कि 18 किलोमीटर्स पड़ता है एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो आई थिंक ये कॉलेज आप देख सकते हो, ये कॉलेज भी अच्छी है। इसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में मुझे पता नहीं, अगर पता चलेगा तो मैं ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। देन आपको नाइन्थ नंबर पे आता है कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, जिनकी प्राइस की थोड़ी बजट की प्रॉब्लम है, तो ये भी टॉप 10 में पड़ता है, लेकिन ये 35,000 यूएस डॉलर में आता है। ये थोड़ा ढाका से दूर है, 90 किलोमीटर्स एयरपोर्ट से दूर है, तो इसको 4 से 5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट से जाने में। तो ये थोड़ा आप चूज़ कर सकते हो, इसकी नेट इसकी प्राइस इतनी हाई भी नहीं है, और ये एक अच्छी मेडिकल कॉलेज है, सो आप देख सकते हो। देन आता है नंबर 10 पे डॉक्टर शहराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, जिसकी नेटवर्थ 40,000 यूएस डॉलर है। ये भी एक अच्छी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के टीचर्स भी, मैं पर्सनली गई थी तो मिली हूँ उनसे, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप उनकी भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप किसी भी कॉलेज में चूज़ कर सकते हो। एक्चुअली सारे कॉलेजेस अच्छे ही हैं, बट एक होता है ना ग्रेडिंग के हिसाब से, जो कि कुछ पुराने हैं तो पहले आते हैं, उनका नाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए पीपल वॉन्ट टू गो देयर, तो वही बात है। एंड मैं खुद जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ, उसका नाम ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, जो कि जब मैं आई थी तो थोड़ा सस्ता था, 35,000 यूएस डॉलर में था। यहाँ मेन ढाका में ही है ये कॉलेज, लेकिन अब थोड़ी कॉस्टली हो गई है, क्योंकि ये कॉलेज और पुरानी और अच्छी हो गई हैं, फैसिलिटीज़ अच्छे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ गई हैं, सो इसलिए इसका नाम अभी 42,000 यूएस डॉलर है, इंक्लूडिंग दी हॉस्टल प्राइस। और अगर आपको ये है याद, सो दिस इज़ इट, ये 10 मेडिकल कॉलेजेस है जो मैंने आपको लिस्ट बता दी है, विद प्राइस एंड डिस्टेंस भी बताया है मैंने लगभग। सो हाँ, और अगर एक्सपेंसेस की बात करो, यहाँ पे ढाका में रहने के लिए 1 मंथ एक्सपेंस किसी स्टूडेंट को 6,000 to 7,000 या 8,000 में आराम से हो जाता है, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना हो तो 7,000-8,000 में आराम से मंथली खर्च निकल जाता है। एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट कहूँ तो जो नेपाल से आते हैं उनको 20,000 to 22,000 नेपाली में फ़्लाइट की कॉस्ट पड़ती है, और जो इंडिया से आते हैं उनको 7,000 to 8,000 या 9,000 के बीच में फ़्लाइट की चार्ज पड़ जाएगी। सो ये सस्ती है, राइट, दूसरे जगह से तो सस्ती है कंपैरेटिवली, सो आप देख सकते हो। सो या ये यही है मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर्स एंड द डिस्टेंस। और आपको अगर और कुछ जानना है देन लीव अ कमेंट, मैं फिर देखूँगी एंड आई विल आंसर टू इट। ओके, थैंक यू, बाय। सो या लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना एंड कमेंट करना, अगर कोई बात आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।